अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का अनदर टॉपिक जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहां पर एक वीडियो चलनी होगी। अगर आप ये फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ये एक चैनल हमारा ही है, ये दूसरा चैनल है जिस पर आपको फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट, जितनी चीजें आप 9th क्लास की, 10th क्लास की, एफएससी में देखेंगे, उन सारी चीजों को फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। सो अगर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट फिजिकल कॉन्सेप्ट चाहते हैं, कहां है डिस्टेंस, कैसे है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां मौजूद वीडियो को जरूर देखिए, यहां मौजूद लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और हमारा चैनल दूसरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज, इन सारे कॉन्सेप्ट के फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मिल सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। बड़े अच्छे से आपको समझ आने जा रही है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अक्सर बच्चे इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं, ये सवाल बोर्ड में किस तरह से आता है, शॉर्ट आएगा तो क्या लिखेंगे, लॉन्ग आएगा तो कैसे प्रेजेंट करेंगे ताकि पूरे नंबर मिले, इस पूरी वीडियो में आपको मिलने जा रहा है ये सारा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम किसी सफर पर जा रहे हो, हम सफर पर जाते हुए जैसा ट्रैक है, जैसा रास्ता है, जैसा रोड है, उसी को फॉलो करते हैं। बाइक पर हैं, गाड़ी पर हैं, किसी भी सवारी पर सवार हैं तो हम उस ट्रैक को फॉलो करते हैं। जैसे लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो हम मोटरवे का जीटी रोड का ट्रैक इस्तेमाल करेंगे, उसी रास्ते जाएंगे, खेतों से तो नहीं जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह से आपने घर से दुकान तक जाना हो तो आप जो गलियां हैं उन गलियों के जरिए जाएंगे, छतों के जरिए तो नहीं जाएंगे। डिसेंट और बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो गलियां बनी हुई हैं 10-15-20 गलियां गुजरकर आप वहां जाएंगे। स्कूल जाना हो तो आपने बच्चों देखा होगा स्कूल जाने के लिए बाइक पर, पैदल, गाड़ी पर जब भी जाते हैं तो रोड को, हम जो रोड है उसको इस्तेमाल करते हुए, रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। जी हाँ, यहां डिस्टेंस क्या है आइए समझाता हूं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो नुक्तों के दरमियान लेंथ ऑफ द पाथ, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फर्ज कर लीजिए यहां आप खड़े हैं और ये आपका घर है, यहां पर, यहां से आपने स्कूल जाना है। प्यारे बच्चों, ये आपका स्कूल है, जाने को दिल तो नहीं करता जितनी ठंड पड़ी है, इवन के गर्मियों में भी कहां दिल करता है, बड़ी जनाब हमें कह कू के स्कूल भेजा जाता, जाओ यार एंजॉय करो, पढ़ो। लीजिए स्कूल जाना है, ये रास्ता है, ये गलियों के जरिए, ये रोड के जरिए रास्ता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस रास्ते को, इस ट्रैक को फॉलो करेंगे, ये एक पॉइंट, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान पूरी जो लेंथ आप कवर करेंगे, चलते गए चलते गए चलते गए, जैसी गली थी, जैसा रोड था, उस रोड को फॉलो करते करते, मचक मचक के, मजे मजे से बातें करते, ये जनाब आप स्कूल पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, यहां से चलकर यहां तक जो आपने लेंथ कवर की है सर जी, वो कैसे मैयर होगी? ऑफकोर्स आपके पास अगर मैरिंग टेप है, अगर आपके पास फीता है, अगर आप मोटरसाइकिल पे हो तो मोटरसाइकिल के ऊपर आपको पता है जो मीटर है उसका, वो लेंथ मेजर करता है, उसकी गरारी चल रही होती है और आपको दिखा रही होती है 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, वो आपके सामने नजर आ रहा है। गाड़ी में हो तो गाड़ी में भी नजर आ रहा हो कितने मीटर आपने सफर कर लिया। सो लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान जो आपने कंप्लीट लेंथ कवर की है, कंप्लीट जो लेंथ कवर की है, अगर आप इस लेंथ को, जैसे मैंने यहां ग्रीन डॉटिंग लाइन से शो किया है, इसको मेजर कर ले फीते के साथ, मेजरिंग टेप के साथ, किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर आप इस पूरी लेंथ को मेजर कर ले, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये जो आपके पास अदबी कीमत आएगी, ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगी, ये डिस्टेंस होगी। यहां से चल के यहां तक जो बच्चे केबीके से हैं, नारायण कागान, सवाद, गिलगित बल्तिस्तान और भारत इंडिया के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों से, वो जानते हैं कि वहां
घर से स्कूल जाते हैं, नॉर्मल रूटीन है कि ऐसे रास्ते होते हैं। घर से स्कूल क्या, घर से शॉप तक, दुकान तक जाना हो तो ऐसे ही रास्ते हैं। आपने से जो बच्चे मरीन अरान का गान गए हो तो आपने देखा होगा वहां रास्ते ऐसे ही हैं, पहाड़ों को काट कर बनाए गए। तो गाड़ी पर सवार हो अगर आप, तो आपने एक जगह से यहां तक जाना है तो आपको इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दाएं खुदा ना खास्ता खाई है, बाएं पहाड़ है, तो मजबूरी है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इसी रास्ते को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे इसके अंदर आपका बहुत ज्यादा पेट्रोल लग जाए, जाना बिल्कुल सामने था लेकिन क्या था, रास्ता ऐसा टेढ़ा मेरा था, पहाड़ को काट के बनाया गया। तो जो आप लेंथ कवर करोगे, जो आपकी गाड़ी के मीटर पर आएगी, या आप चलते चलते साथ में मेडिंग टेप लेते जाओ, जहां से स्टार्ट किया वहां मेडिंग टेप का एक किनारा रखो, जहां जाके रुके वहां मेडिंग टेप का दूसरा किनारा रखो। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, जहां से चले जहां रुके, इस दौरान जितना आपने पाथ कवर किया, जितना आपने रास्ता कवर किया, जितना आप चल के आए हो, उसको मेजर कर लो, उसकी पैमाइश कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। ये जो चीज आपके पास आएगी, दिस इज डिस्टेंस। जी हाँ, ये डिस्टेंस है। आइए कुछ और चीजें डिस्टेंस के मुताबिक जानते हैं। इसको नॉर्मली एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइन्थ के सिलेबस में, नाइन्थ क्लास में, इवन के एफएससी के अंदर भी आप डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस के साथ, कैपिटल एस, कैपिटल एस। ठीक है, बोल्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर जी कैसे स्केलर है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस रास्ते जाएं या फिर कोई और रास्ता हो उस रास्ते भी इस तक जाएं तो ये डिस्टेंस ही होगी। जी हाँ, इस रास्ते जाएं या एक और ट्रैक है यहां से यहां पहुंचने का, वो भी डिस्टेंस ही होगी। इसका मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये भी रास्ता था, ये भी रास्ता था, ये भी रास्ता था, और 10, 20, 30 रास्ते थे यहां से यहां पहुंचने के। जैसे घर से दुकान तक पहुंचने के लिए, घर से क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 10, 20 रास्ते होते। एक गली से चले जाओ, दूसरी गली से चले जाओ, वो डिस्टेंस ही है। जी प्यारे बच्चों, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर वेक्टर्स, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं स्केलर क्वांटिटीज। अगर आप स्केलर वेक्टर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करें और स्केलर्स को अच्छे से जान लीजिए, स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं। फिर भी बता देता हूं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब बच्चे पूछते सर मैग्नीट्यूड क्या होती है, उर्दू मीडियम कहेंगे इसे कहते हैं अद्दी कीमत। अद्दी कीमत 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जहां से चले जहां एंड किए। ये हो सकता है 20 मीटर हो, ये हो सकता है 30 मीटर हो, ये हो सकता है 35 मीटर हो। जो आपके पास वैल्यू आएगी, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। इसका मतलब मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, जो आप पाथ कवर करेंगे उसको डिस्टेंस कहेंगे। तो ये आपके पास डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ये मीटर्स के अंदर मेजर होती है। इसके बड़े यूनिट भी हैं, बड़े यूनिट सबको पता है किलोमीटर, मेगामीटर, लेकिन ज्यादातर किलोमीटर यूज होता है। आपने देखा होगा शहरों के दरमियान फासला किलोमीटर्स में, जमीन और चांद के दरमियान फासला किलोमीटर्स में, स्कूल और आपके घर के दरमियान फासला किलोमीटर्स में। बड़े यूनिट भी हैं, छोटे यूनिट भी हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। जब हमने छोटे छोटे पाथ मेजर करने हो, छोटी छोटी लेंथ मेजर करनी हो, तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर भी इसके यूनिट है। सो इट कैन बी इजीली मेजर, इसे आसानी से मेजर किया जा सकता है मेजरिंग टेप के साथ। आपके पास एक फीता हो मेजरिंग टेप, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 1 में मुझसे मेजरिंग टेप क्या है। जी हाँ, मीटर रूल, मेजरिंग टेप बड़ी डिटेल से समझा चुका हूं, जो कि कारपेंटर्स यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स यूज करते हैं, जो कि आपने देखा होगा टेलर कपड़े जो सिलाई करता है वो भी यूज करता है, और मुख्तलिफ आप जानते हैं इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं, जिसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं और यूनिट मीटर होता है। उस मेजरिंग टेप के जरिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर कर सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना भाषण, इतनी बात तो आपने डिस्टेंस पर कर दी, जरा अब डिस्प्लेसमेंट भी बता दीजिए। क्या दोनों में फर्क है, स्पेलिंग का फर्क है सिर्फ, या टर्म्स भी डिफरेंट है। जी प्यारे बच्चों बताता हूं, देखिए ए से बी वही रास्ता, ये रहा आपका घर, ये रहा स्कूल। जो बच्चे होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, समझदार मुराद ये नहीं है कि आप यही कल से करना शुरू कर दो, वैसे बता दो, क्विक होते हैं, शार्प होते हैं, बड़े तेज होते हैं, तेज तरार होते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए ऐसे ही नरान कगान के जो लोकल लोग हैं, सवाब के मरी के जो लोकल लोग हैं, यही टर्न करते हैं। क्या यहां से यहां जाना था, स्कूल से, सॉरी घर से, होम स्वीट होम से ये स्कूल जाना था आपने, तो ये रास्ता तो था, ये था गली से, ये था रोड से, वाया रोड, रोड के जरिए, गली के जरिए, जो मोहल्ले के जरिए आप बकायदा जाइए। दूसरा ट्रैक ये था छतों के जरिए, शॉर्टकट मारिए, अगर जो छतें आपस में मिली हुई हैं
तो बड़े होशियार और समझदार तो नहीं मैं कहूंगा, ये गलत चीज है, करना तो नहीं ऐसे चाहिए, लेकिन जो बच्चे लेट हो गए जल्दी स्कूल पहुंचना चाहते हैं, उसके दोस्त आगे निकलेंगे वो क्या करेगा, शॉर्टकट मारेगा। शॉर्टकट क्या है, यहां से सीधा स्कूल का निशाना, वो सामने स्कूल नजर आ रहा है, अगर मैं गलियों से जाऊंगा लेट हो जाऊंगा, फासला भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा, हार भी जाऊंगा। दूसरा रास्ता ये है, छतें मिली हुई है हम मोहल्ले वालों की, छतों से कूदते 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 वो पहुंच जाइए, ये ना करना शुरू कर दीजिएगा मेरे कहने पर, खुदा ना खासा चोट लग जाए। वैसे बता रहा हूं, वैसे बता रहा हूं, मूवीज में भी देखा होगा, शेर भाग रहा होता है, विलन भाग रहा होता है, हीरो साहब पीछे पीछे होते हैं छतें टापते हुए छतों के ऊपर से। So, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कम से कम डिस्टेंस है, ये कम से कम फासला है, फासला ही लेकिन कम से कम शॉर्टकट, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे जिंदगी में कहा जाता है शॉर्टकट ना मारिए, जिंदगी में शॉर्टकट ना मारिए, एक ही दफा लाइफ मिलनी है, इसमें शॉर्टकट नहीं। जैसे रूटीन में लाइफ चल रही है इसमें मेहनत कीजिए, शॉर्टकट की तरफ ना जाइए। तो प्यारे बच्चों, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक घर से स्कूल पहुंचने के लिए आपने कहा भाई मैं शॉर्टकट मारता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो लोकल रिहायशी है वहां के, मरी के, नरान के, सवाद के, वो जानते हैं इस अपने घर से वो मार्केट तक जाना है, तो मैं इधर रोड के जरिए गया तो पहुंचूंगा शाम तक, वापस कब आऊंगा, लेकिन हम जाएंगे हमें किसी और रास्ते का पता नहीं, हम हैं भी गाड़ी पर, हम है भी बाइक पर, तो हमें मजबूरी है, हमें रास्ते से जाना है। वो क्या करेंगे, दरमियान से पगडंडियां, दरमियान से बल्ले बने होंगे, रास्ते बने होंगे पहाड़ों को चीरते चीरते, वो अपने घर से चलेंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, जो 5 घंटे का रास्ता था, जो 10 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में कवर कर लेंगे। वो है शॉर्टकट अपने घर से मार्केट तक, घर से स्कूल तक। जो बच्चे वहां से हैं वो समझदार हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात, जो नरान कगान मरी गए वो भी समझते होंगे कि वहां के लोकल रिहायशी जानते हैं कि यहां से शॉर्टकट क्या है, शॉर्टेस्ट फासला क्या है, वहां के रिहायशी उन्हें पता है। सो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स वही है, वही पॉइंट जो यहां थे वही पॉइंट यहां है, लेकिन अब लेंथ ऑफ द पाथ कवर नहीं करना, अब हमें जल्दी है, अब हमें शॉर्टकट मानना है। जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या करते हैं, अकल होशियारी ये करते हैं, ट्रैफिक में हम 2 मिनट 5 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते, गलियों से शॉर्टकट मारते बाजार के लिए, गलियों से शॉर्टकट मारते घर के लिए, और अक्सर शॉर्टकट में हम जिसके पीछे लगे होते हैं बेचारे उसको भी रास्ता नहीं पता होता, और बेचारे मजीद ज्यादा टाइम जाया हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को उन जगहों का, उन रास्तों का पता है, वो शॉर्टकट मार के पहुंच भी जाते हैं, हम बेचारे ट्रैफिक में फंसे होते हैं। तो क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसके पास दो चीजें हैं, इस शॉर्टकट के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये शॉर्टकट हर सिम्मत में नहीं हो सकता, यहां से यहां जाने के लिए ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। प्यारे बच्चों, शॉर्टकट यहां से यहां जाने का सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक खास सिम्मत है, यहां सिम्मत में नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए तो इसे शॉर्टकट कहा जाता है, शॉर्टेस्ट कहा जाता है। दो नुक्तों के दरमियान कम से कम फासला, कम से कम फासला जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन होशियारी से, तेजी से, शॉर्टकट मार के जाना, इसको कहेंगे। और इसको क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है नमाज में, हम कहते हैं सिराते मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता, तो खुदा ना खास्ता पुत्र नीचे खाई हो तो उस तरफ नहीं चल पड़ना, सीधा रास्ता ये है जी, वहां हमें रोड को ही फॉलो करना है, शॉर्टकट के चक्कर में हम अल्लाह मियां के पास शॉर्टकट में ना चले जाएं। तो समझदारी के साथ, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टकट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसकी एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन होगी। हर लाइन, हर सीधी लाइन शॉर्टकट नहीं हो सकती, हर सीधी लाइन यहां से यहां जाना तो ये शॉर्टकट होगा, यहां से यहां जाना तो ये शॉर्टकट होगा, लेकिन यहां से यहां जाते हो इसके अलावा कोई और लाइन नहीं हो सकती, कोई और रास्ता नहीं हो सकता, वो यहां से यहां कम से कम हो। मेरा ख्याल है आपको बात की समझ आ गई होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुक्तों के दरमियान जो कम से कम था, ये भी ज्यादा, कोई और रास्ता यूज करता उसकी वैल्यू ज्यादा आनी थी, लेकिन मैंने यहां से यहां गया, मुझे टाइम भी थोड़ा लगेगा, अगर मैं इसी तरह चल के गया हूं, इसी तरह जैसे यहां चल रहा था, इसी तरह इस तरह चल के जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, कम फासला कवर करने पड़ेगा और हम क्विकली वहां पहुंच जाएंगे। और जर्नी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी के साथ, और उसके ऊपर एरो हेड, एरो हेड निशानी है वेक्टर होने की। और भी तरीके आपने पढ़े हुए बुक में, बोल्ड कर दीजिए, गाढ़ा कर दीजिए जी, जैसे गर्ल्स नेल पॉलिश से नेल्स को बोल्ड करती हैं और गर्ल्स ही अपने लिप्स को लिपस्टिक से बोल्ड करती हैं, ऐसे ही बॉयज एंड गर्ल्स आप इस वेक्टर को बोल्ड कर दीजिएगा मार्कर के साथ, सही है, ये निशानी होगी इसके वेक्टर होने की। दूसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे 5 मीटर नॉर्थ, जब भी आप किसी को डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, तो साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, भाई यहां से लाहौर शॉर्टकट है वाया दिस रोड, यहां से कराची, यहां से इस्लामाबाद शॉर्टकट है मोटरवे से जाना, जीटी रोड से जाओगे डिस्प्लेस डिस्टेंस होगा, शॉर्टकट जाना है तो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो ये स्पेसिफिक रास्ता है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। जैसे जहाज जाता है बिल्कुल सीधा, जैसे ट्रेन जाती है बिल्कुल सीधी, और भी मैं आपसे पूछूंगा, आप इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर आंसर करेंगे, अभी आपको असाइनमेंट भी देते हैं। सो 5 मीटर नॉर्थ सिमत बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, 20 मीटर साउथ जनूब की जाने 20 मीटर, 50 मीटर राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड हमें सिमत बतानी पड़ती है। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, 20 मीटर मैग्नीट्यूड, 5 मीटर मैग्नीट्यूड, 50 मीटर मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही है जो इसका है, ये भी मीटर्स में, ज्यादा लंबा फासला है तो किलोमीटर्स में, मेगामीटर्स में, गीगामीटर्स में, जबकि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, छोटे बड़े यूनिट्स हैं। और इसको आसानी से डिस्टेंस की जगह जी की तरह मेजर किया जा सकता है मेजरिंग टेप के जरिए, मेजरिंग टेप के जरिए, या मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के अंदर बकायदा से मीटर लगा होता है, गाड़ियों में मीटर लगा होता है, ट्रेन में, जहाजों में मीटर लगे होते हैं, जो कि इनकी वैल्यूज को आसानी से आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई जाते हैं। सो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट बढ़िया हो गया, बेहतरीन हो गया, उम्मीद करता हूं आपको जरा मुश्किल दुश्वारी परेशानी नहीं रही होगी जहन में। तो आप देखिएगा, अब आप मुझे बताइएगा, आप एक इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टेंस कवर करती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, जहाज, ट्रेन, मुख्तलिफ चीजों की एग्जाम्पल्स आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सी चीजें, सर जी आज मैंने नोट की ये चीज डिस्टेंस कवर करती है, आज मैंने डिस्टेंस कवर किया जी, जहाज डिस्टेंस कवर करता है, क्या करता है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं जहाज क्या करता है, ट्रेन क्या करती है, मुख्तलिफ बॉडीज आपके गाड़ियां मोटरवे पर कैसे ट्रेवल करती हैं, डिस्टेंस करती कवर या डिस्प्लेसमेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे सारे लेक्चर्स की चाहते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, एवरीथिंग जो आप फिजिक्स की बुक में पढ़ेंगे, 9th में, 10th में, FSC में, इन सब की फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट चाहते हैं कि सर परफॉर्म करें, तो हमारा यहां मौजूद लिंक, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया चैनल का लिंक यूज करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इंशाल्लाह आपको सारी फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगी आपको करके दिखाई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।